स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो। इसमें मैं एनआईएस क्लास 12th वाले बच्चों के लिए पेंटिंग 332 इसकी पूरी एक मैराथन वीडियो दिखाने वाली हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी बच्चों के लिए होने वाली है। अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छे नंबर पेंटिंग सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये जो क्लास है इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊंगी, जिसके में आप जो है अगर उसको देखेंगे, यानी कि इस क्लास को अगर आप देखेंगे पूरा एंड तक बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं सिर्फ इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विद आंसर्स, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों को साथ लेकर चलेंगे, कोई एक मीडियम में नहीं बताऊंगी, दोनों मीडियम में आपको समझाने वाली हूँ। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है पेपर पैटर्न समझाया था, पेंटिंग का पेपर आखिर किस तरीके का आता है, ताकि आपको आइडिया लग जाए। वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं विजिट करके। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका नाम है टीएच क्लासेस। हमारे ग्रुप से आप ज्वाइन करिए और उस पे आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। किसी भी प्रकार के हम कॉस्ट आपसे नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये पीडीएफ आपको फ्री मिलने वाला है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इस वीडियो में आप जो है मैं समझाऊंगी उसको समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। इसको आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आंसर पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो आ जाता है लेकिन हमें आंसर्स लिखने नहीं आते हैं, और कई बार बच्चे क्या सोचते हैं पेंटिंग में हमें पेंटिंग्स ही बनानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है, पेंटिंग सब्जेक्ट बेशक है लेकिन थ्योरी एग्जाम जो कि आपका है उसमें आपको जो है 30 नंबर का पेपर दिया जाएगा थ्योरी का। इसको पास करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कई बच्चे समझते हैं कि थ्योरी पास करें या ना करें हमें जो है प्रैक्टिकल में तो नंबर मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको इसको भी पास करना पड़ेगा। और ये 30 नंबर का है, आपका 1.5 घंटे का जो है पेपर होता है ये, और बहुत आसान आपका पेपर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लीज आप जो है बिल्कुल भी हेक्टिक मत होइएगा, हेक्टिक यानी कि बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, बस आप समझिएगा जो मैं आपको समझाऊं। पहला आपका टॉपिक है पहाड़ी कलम। आंसर्स पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको आंसर करने हैं। कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसमें कई बार पूछा जाता है कि पहाड़ी कलम के बारे में बताओ या पहाड़ी कलम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो इस क्षेत्र की जो प्राकृतिक सुंदरता है, पहाड़ी कलम क्या है, एक तरह की चित्रकारी है, ठीक है, एक तरह का चित्रकारी का एक नमूना है, और ये दिल्ली के मुगल दरबार के ग्लैमर का एक सुंदर संयोजन है। यानी कि ये क्या दिखाता है हमें, दिल्ली का जो मुगल दरबार है, आप इस तरह से पिक्चर भी देख सकते हैं, मैंने पिक्चर्स भी साथ साथ लगाई हुई है ताकि बच्चों को जो है आसानी हो जाए उसको समझने में, जो टॉपिक्स हम समझते जाएंगे। इसमें पहाड़ी राजाओं के छोटे राजाओं के संरक्षण में, राज्यों के जो छोटे राजा थे उनके संरक्षण में ये जम्मू से टिहरी और पठानकोट से दिल्ली तक, सॉरी कुल्लू तक फैल गया, ठीक है। चित्रकारों ने मुगल प्रभाव के बावजूद स्वदेशी शैली को बनाए रखा। यहाँ पर इसमें चित्रकारों ने क्या क्या, मुगल प्रभाव तो था लेकिन उस टाइम पे उन्होंने फिर भी स्वदेशी शैली को वहां पर बनाए रखा। इसके कई बार पहाड़ी लघु चित्रों के विषय वस्तु कई बार पूछ लिए जाते हैं, यानी कि इसके क्या क्या थीम्स थे, किस थीम पे ये बनाए जाते थे, किस थीम्स पे इसकी चित्रकारी होती थी। तो शास्त्रीय साहित्य, संगीत और स्थानीय संस्कृतियों से ये प्रभावित होते थे बेसिकली। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए दे सकते हैं कि आप जो है इस तरीके का जो पूरा वो आएगा आपका पहाड़ी कलम, जो इसकी स्पेलिंग है आप देख लीजिए ध्यान से, इस तरीके से आएगी, पेपर में भी आप देख ही पाएंगे। तो उसी से रिलेटेड आपको लिखना है, पहाड़ी कलम इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस रीजन, जो कि मैंने आपको हिंदी में बताया, सेम वही चीज आपकी इंग्लिश में है। पीडीएफ में भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगी, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। द ग्लैमर ऑफ मुगल कोर्ट ऑफ दिल्ली अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द स्मॉल किंग्स ऑफ द हिल स्टेट्स, इट स्प्रेड थ्रू जम्मू टू टेहरी, ये तो है जम्मू से टेहरी और पठानकोट से कुल्लू तक ये फैला हुआ है। द पेंटर्स मेंटेन्ड द इंडिजीनियस स्टाइल इन स्पाइट ऑफ द मुगल इन्फ्लुएंस, मुगल इन्फ्लुएंस था लेकिन उस समय पे भी उन्होंने इंडिजीनियस स्टाइल को अपना मेंटेन रखा। थीम्स क्या क्या है इसकी, ये आप देख लीजिए, इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल लिटरेचर, म्यूजिक एंड लोकल कल्चर, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आपका दिखा देती हूँ, कंपनी चित्र शैली, इससे रिलेटेड आपका आ जाता है। कंपनी चित्र शैली को जो है बहुत बार पटना चित्र शैली के नाम से भी आपसे बोला जाता है, पटना चित्र शैली के बारे में बताइए, पटना चित्रकला के बारे में बताइए, तो वही मतलब है आपका कंपनी चित्र शैली के बारे में आपसे पूछा गया है। इसको हम पटना चित्रकला भी कहते हैं। ये पुस्तकों को चित्रित करने की शैली है,
ये क्या है, पुस्तकों को जो आपकी बुक्स होती हैं उनको किस तरीके से चित्रित किया जाए, इस बारे में ये जो है ये शैली है जो भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे ब्रिटिश लोगों की पसंद के आधार पर विकसित हुई थी। ये कैसे बनी, कैसे विकसित हुई, जो 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ब्रिटिश लोग काम कर रहे थे तो उनके पसंद के आधार पर ये विकसित हुई थी। ओके अच्छा, अब इसके हैं कंपनी चित्र शैली के विभिन्न केंद्रों के नाम। तो ये केंद्रों के नाम, अलग अलग केंद्र कौन कौन से थे इसके, ये भी आप देख लीजिए। तो अलग अलग केंद्र थे इसके, सबसे पहला केंद्र था ये जो है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में उभरी और फिर ब्रिटिश व्यापार के अन्य केंद्रों में ये फैल गई, ठीक है, फैल गई थी। उसके बाद बनारस, दिल्ली, लखनऊ और पटना, ये सारे इसके केंद्र हुए। उसके बाद आप इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट, इस तरीके से आपका आएगा, इसको हम पटना पेंटिंग भी बोलते हैं। ये जो है 18 सेंचुरी में बेस थी, जो इंडियन मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें ब्रिटिश जो काम कर रहे थे उसमें, उससे रिलेटेड ये है। इसमें क्या होता है, ये एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग बुक्स है, मतलब बुक्स को पेंट करने का एक स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसका पहला स्टाइल जो इमर्ज हुआ था ये हुआ था मुर्शिदाबाद में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद ये सारे आपके जो है आ जाते हैं कई बार स्टाइल्स, क्या क्या स्टाइल कहाँ कहाँ पे इमर्ज हुआ। तो बनारस, वाराणसी, दिल्ली, लखनऊ, पटना, यहाँ पे जो है कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट ये था, ये सारे यहाँ पर इमर्ज हुए थे। अब अगला टॉपिक है तंजोर की चित्र शैली जो है वो क्या है और ये भिन्न क्यों है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि तंजोर की चित्र शैली भिन्न क्यों है, तो आप जो है इस बारे में क्या लिखेंगे, तंजोर पेंटिंग एकमात्र ऐसी पेंटिंग है जिस पर एम्बोस है। यहाँ पर सिर्फ ये एक पेंटिंग है जिस पर एम्बोस है, यही है। पेंटिंग में ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सतह से ऊपर उठते हैं। दूसरी विशेषता रियल गोल्ड फॉइल है, ये जो है इस पे रियल गोल्ड फॉइल का यूज किया गया है, यानी 22 कैरेट गोल्ड फॉइल का उपयोग इस पे किया गया है जो कि असली सोना है और ये कभी भी फीका नहीं पड़ता। यही सिर्फ चीज आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है। हाउ डज तंजोर पेंटिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टाइल्स, तंजोर पेंटिंग इज द ओनली पेंटिंग, ये सिर्फ अकेली पेंटिंग है जिसपे एम्बॉस है, दैट इज द पेंटिंग हैज एरियाज दैट आर एलिवेटेड फ्रॉम द सरफेस, ये जो है ये एरियाज एलिवेटेड है बाकी सरफेस से। द अदर फीचर इज द रियल गोल्ड फॉइल, दूसरा फीचर इसका क्या है, यहाँ पर इसके ऊपर रियल गोल्ड फॉइल लगा हुआ है जो एम्बॉस्ड हो रखा है और 22 कैरेट गोल्ड फॉइल इसमें यूज हुआ है पूरा, और ये जो है पूरा रियल गोल्ड का है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगी। उसके बाद अगला है टॉपिक आपका सिंधु घाटी सभ्यता के आभूषण। तो बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी ज्वेलरीज यूज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में और क्या क्या उनके आभूषणों की विशेषताएं हैं। तो शीर्ष पर अंकित सोने की पट्टिकाएं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिलेट्स ऑफ हैमर्ड गोल्ड, जो माथे के चारों ओर पहनी जाती हैं, यानी फोरहेड पे पहनी जाती हैं। अन्य गहनों में थी पहली चूड़ियां, चोकर। अब मैं इसके गहनों की फोटो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार के गहने थे आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें चूड़ियां भी हैं, चोकर्स वगैरह भी हैं और लटकन वाले हार, अंगूठियां, सब कुछ है इसमें, झुमके जो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, आभूषण, ब्रोच, ये सब इसमें शामिल है। इंग्लिश वाले बच्चे सेम ऐसे ही लिखेंगे, बैंगल, चोकर, लॉन्ग जो पेंडेंट नेकलेसेस होते थे, रिंग्स, इयररिंग्स। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि इस तरह के गहनों को कभी भी मृतकों के साथ दफनाया नहीं जाता था, यानी कि जो मरे हुए लोग होते थे उनके साथ ये जो गहने हैं ये दफनाए नहीं जाते थे, उनके साथ ये जो गहने हैं ये अगली पीढ़ी को दे दिए जाते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता था, यानी कि ये जो थे ये दूसरी जनरेशन को दे दिए जाते थे, उनको पास ऑन कर दिए जाते थे, ठीक है। अगला है 8वीं शताब्दी के मंदिरों की कला। तो 8वीं शताब्दी में जो 8th सेंचुरी थी उस टाइम पे टेंपल आर्ट कैसी होती थी, तो इस बारे में ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि अब यहाँ पे 8वीं शताब्दी की अवधि जो थी उस समय पे पश्चिमी भारत में एलोरा का हिंदू रॉकेट कैलाश मंदिर एक उल्लेखनीय कृति है। ये जो है कैलाश मंदिर बहुत ज्यादा अच्छा एक तरह से है, यहाँ पे ये जो है शिव के उपासकों को समर्पित है। ये राहत पैनल युद्ध के दृश्यों का इलाज करता है जिसमें देवता राक्षस को नष्ट करने में लगे हुए हैं। वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। ये जो है ये मंदिर पूरा जो टेम्पल है पूरा वर्शिपर्स ऑफ शिवा, यानी कि शिवा के वर्शिपर्स को डेडिकेटेड है। इसमें डायटी ये सब इंगेज दिखाई गई है, इसमें जो है डेमोन को डिस्ट्रॉय करने की बात कही गई है, ये सारी चीजें इसमें लिखी है। अगला टॉपिक है आपका एलोरा मंदिर की मूर्ति जो है महिषासुर मर्दिनी, ठीक है। इस मूर्ति को भी आप देख सकते हैं, ये है महिषासुर मर्दिनी की पिक्चर। इसमें क्या है, इसमें इसका क्या महत्व है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, मूर्ति है क्या।
तो इस बारे में आपको पहले समझना चाहिए कि महिषासुर मर्दिनी इसका मतलब क्या है। महिषासुर एक असुर था, उसका मर्दन करने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर एक देवी की आप पिक्चर देख सकते हैं, जो कि हमारी आप कह सकते हैं अम्बे माँ भी हैं, और नीचे आप एक महिषासुर नाम के राक्षस को भी देख सकते हैं। तो इसका मर्दन ये जो है देवी कर रही है। महिषासुर मर्दिनी अपने विशिष्ट और उत्कृष्ट स्थिति के लिए बहुत ज्यादा प्रदर्शित है, प्रसिद्ध है, और ये सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया गया है। महिषासुर मर्दिनी की रचना जो है वो दुनिया को बुराई से मुक्त करने और अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए की गई थी। ये क्यों बनाई गई थी? ताकि दुनिया को बुराई से मुक्त किया जा सके और जो देवी देवता हैं दूसरे उनकी भी पूजा की जा सके। इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है एक सिग्निफिकेंस ऑफ महिषासुर मर्दिनी। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महिषासुर मर्दिनी एट द एलोरा क्लास कैलाश टेम्पल। जो ये कहाँ पे मौजूद है? एलोरा के क्लास कैलाश जो टेम्पल है वहां पे। इसमें क्या बताया गया है? वेल नोन फॉर हर डिस्टिंक्टिव एंड एग्जीक्यूटिव पोजिशन विच इज ग्रेसफुली एग्जिबिटेड। ये जो है ये बहुत ज्यादा जानी जाती है इसके डिस्टिंक्टिव और एग्जीक्यूटिव जो इसका एक तरह से पोजिशन है उसके लिए। महिषासुर मर्दिनी वॉज क्रिएटेड टू गेट द रिड आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एविल टू एंड टू वर्शिप अदर गॉड्स। दूसरे जो भगवान है उनकी भी पूजा की जा सके। अगला है आपका नटराज मूर्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो नटराज मूर्ति में कौन कौन सी किस प्रकार की तकनीक सामग्री यूज हुई है और क्या क्या विषय वस्तु है इसकी? नटराज जो है वो पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि ये मूर्ति है क्या। ये जो मूर्ति है ये शिव की प्रसिद्ध प्राचीन मूर्ति के चार भुजाएं हैं। आप देख सकते हैं एक तरह से शिव की मूर्ति है ये, और इसमें चार भुजाएं आपको दिख रही होंगी, उनके चारों और अग्नि के घेरे हैं। चारों आप देख सकते हैं, चारों ओर यहाँ पे अग्नि के घेरे हैं इसमें, ठीक है। उनका एक पांव जो है यानी कि ये वाला पांव ये बोने को दबाए हुए है। बोना कौन? अक्षमा। अक्षमा को ये दबाए हुए हैं, और दूसरा पांव जो है वो नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। ये दूसरा जो इनका पांव है ये ऊपर की ओर उठा हुआ है। जो पहला दाहिना हाथ है, एक दाहिने हाथ में है डमरू। इस डमरू से हमें क्या पता चलता है? ये सृजन का प्रतीक है, यानी कि ये क्रिएशन का प्रतीक है, सिंबल ऑफ क्रिएशन। वही चीज इंग्लिश में भी लिखी हुई है कि द मोस्ट फेमस एंशियंट आइडल ऑफ नटराजा शिवा हैज फोर आर्म्स। इसमें दिखाया गया है कि शिव के चार जो है आर्म्स है भुजाएं हैं, सराउंडेड बाय फायर सर्कल्स। इसमें फायर सर्कल्स भी आपके दिखाए गए हैं, आप देख भी सकते हैं। विद वन ऑफ हिज फीट ही होल्ड्स राउंड अ ड्वार्फ, यानी कि एक बोने को ये दबाए हुए है एक फीट से, इसको हम अक्षमा के नाम से भी जानते हैं। एंड द अदर लेग इज रेज्ड अपवर्ड्स इन अ डांस पोस्चर, और जो दूसरा लेग है वो ऊपर की तरफ डांस पोस्चर में है। और ही इज होल्डिंग अ डमरू इन हिज फर्स्ट राइट हैंड, एक पहले राइट हैंड में वो डमरू को होल्ड किए हुए हैं जो कि ऊपर की तरफ उठा हुआ है। एंड द डमरू, जो डमरू का साउंड है वो सिंबल ऑफ क्रिएशन है। उसके बाद अगला है इसका टॉपिक मौर्य काल की कला का विकास। तो मौर्य काल की कला का विकास कैसे हुआ इस बारे में आ जाता है। तो मौर्य काल के नवीन और महान रूप का दर्शन जो है वो अशोक के स्तंभों से हमें मिलता है। जो अशोक के स्तंभ थे वो किस तरीके के बनाए गए थे? वो उत्कृष्ट कला के प्रतीक है। इसमें जो स्तंभ थे ये कई फुट नीचे, जमीन के कई फुट नीचे गाड़े जाते थे, और इसमें अभूतपूर्व और अधिक महत्वपूर्ण जो है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये स्तंभ माने जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न आर्ट, इंग्लिश वाले बच्चे ये आ जाता है। नेचर भी आ जाता है कई बार, नेचर ऑफ मॉडर्न आर्ट, किस प्रकार का उनका नेचर था। तो द न्यू एंड ग्रेट फॉर्म ऑफ मॉडर्न आर्ट इज सीन इन द पिलर्स ऑफ अशोका। जो ये है ये पिलर्स ऑफ अशोका में देखी जाती है ये मॉडर्न आर्ट। ये सिंबल है फाइन आर्ट का उस समय पे, जो पीरियड जो था उस समय पे भी फाइन आर्ट जो थी होती थी, और अशोका बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स बना के गए हैं मॉडर्न आर्ट वर्क्स के, और इन्हीं को बहुत जमीन के बहुत नीचे दबाया गया था। वही चीज आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है गोल गुंबद से रिलेटेड। तो गोल गुंबद क्या है? कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, इसके लिए आपको समझना चाहिए कि गोल गुंबद है क्या आखिर। तो गोल गुंबद जो है ये आपका बीजापुर में स्थित है, ठीक है। बीजापुर शहर है, वहां पे ये स्थित है। ये सबसे बड़ी खुली छतरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है भारत का सबसे बड़ा गुंबद है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है, यानी कि वर्ल्ड के उस पे ये सेकंड नंबर पे आता है। इसका जो व्यास है वो 44 मीटर है, ऊंचाई 51 मीटर है। ये जो है इसकी संरचना के मूल में 47.5 मीटर यानी कि 156 फीट की भुजाओं वाला एक घन है। ये जो पूरा गुंबद है ये 8 मेहराबों से गुथा हुआ गुंबदीय त्रिभुज कोण बनाता है। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, सेम चीज आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल गुंबद इंग्लिश में दी हुई है। और ये जो है ये बिगेस्ट ओपन अम्ब्रेला है, ये कहाँ पे है ये आप लिख देंगे, बीजापुर में है। इसकी वजह से बीजापुर शहर जो है वो समर सीजन से बचा हुआ है। और गोल गुंबद ये एक लार्जेस्ट डोम है इंडिया के लिए, सेकंड लार्जेस्ट डोम है वर्ल्ड में, और सारी चीज इसमें लिखी हुई है।
नेक्स्ट है मुगल लघु चित्र और उसके चित्रकार। मुगल लघु चित्र क्या है इस बारे में क्वेश्चन आ जाता है, इसके चित्रकार कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो मुगल पेंटिंग जो थी वो दक्षिण एशियाई चित्रकला की एक विशेष शैली है जो आमतौर पर लघु चित्रों तक सीमित होती है। ये सिर्फ लघु चित्र बनाने में तक ही सीमित है, लेकिन कई बार ये जो है पुस्तक चित्रण भी कर लेते हैं। इसमें क्या क्या है, एल्बमों में रखे जाने वाले एकल कार्यों के रूप में जो भारतीय हिंदू जैन और बौद्ध हैं उनके फारसी लघु चित्रकला से उभरा हुआ एक तरह से मुगल लघु चित्र होता है। इसके चित्रकारों के नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तैमूर के घर के राजकुमार का चित्रकार है अब्द हम समद। यहाँ पे मैंने इसके साक्षात सन भी लिख दिया है कि इस ईयर में ये बनाया गया था, किस सन में, ठीक है। तूती नामा जो है वो लकड़ी और तोता अज्ञात है, इसके अभी कोई पर्टिकुलर इसका कोई पेंटर हमें नहीं पता है, तो इसलिए अज्ञात। ग्वालियर के किले का निरीक्षण करते बाबर, ये पेंटिंग बाबर नामा से ली गई है, भूरे ने बनाई थी, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। सेम चीज इंग्लिश में दी गई है, मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में आ जाता है इंग्लिश में, और इट्स पेंटर्स उसके बारे में, उसके पेंटर्स के बारे में। मुगल पेंटिंग जो है वो पर्टिकुलर स्टाइल है साउथ एशियन पेंटिंग का, जनरली कन्फाइंड होती है मिनिएचर आइदर एज बुक इलस्ट्रेशन और एज सिंगल वर्क्स टू बी केप्ट इन एल्बम्स व्हिच इमर्ज फ्रॉम पर्शियन इमेज मिनिएचर पेंटिंग विद इंडियन हिंदू जैन एंड बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसेस एंड डेवलप्ड लार्जली इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर। ये मुगल एम्पायर के कोर्ट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होकर बनाई गई है। इसके पेंटर्स जो हैं वो निम्नलिखित हैं, यानी कि ये सारे पेंटर्स इसके हैं, आप देख सकते हैं। वही चीज मैंने हिंदी में बताई, सेम चीज आप जो है इंग्लिश में भी लिखी हुई देख सकते हैं यहाँ पर। अगला है आपका चैत्य और विहार के बारे में। तो चैत्य और विहार से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो चैत्य क्या थे, भिक्षुओं के पूजा और सभा स्थल थे ये, और इसके एक छोर पर संरचना के भीतर स्तूप है। यहाँ पर एक छोर पर इनके संरचना के भीतर स्तूप होता था। विहार वो मठ है जहाँ पर भिक्षु रहते थे, विहार मठ है एक तरह से, और चैत्य जो है वो भिक्षुओं के पूजा और सभा स्थल है, और इसके एक छोर पर जो है वो संरचना के भीतर एक स्तूप में बेसिकली बनाए गए हैं। और यहाँ पर क्या होता था, विहार में ये मठ होते थे जहाँ पर भिक्षु रहते थे, और ये बरसात के दिनों में उनके आवास के रूप में कार्य करता था। आमतौर पर क्या होता था, चट्टानों से गुफा संरचनाओं के रूप में उकेरे जाते थे। वही इंग्लिश में आ जाता है चैत्य एंड विहारा, चैत्य वर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये प्लेस ऑफ वर्शिप होते थे, एंड असेंबली ऑफ द मॉन्क्स, कई बार ये मॉन्क्स के लिए असेंबली यानी सभा के रूप में काम करते थे। यहाँ ये जो थे ये स्तूपों से बने होते थे विद इन द स्ट्रक्चर एट वन एंड। विहार जो होते थे वो मोनेस्ट्री वेयर द मॉन्क्स यूज्ड टू लिव, जहां पर मॉन्क्स रहने का काम करते थे ना वो होते थे विहार, और एक तरह से असेंबली जो होती थी उनकी वो होते थे चैत्य, ठीक है। अगला है ढोला मारू चित्र का वर्णन। ये जो ढोला मारू पेंटिंग है इसके इससे रिलेटेड आपका आ जाता है, इसको पेंटिंग को भी आप देख सकते हैं। इस पेंटिंग में आपसे क्या बोला गया है, क्या आपसे पूछा जाता है कि इस चित्र का वर्णन करो, ये किससे रिलेटेड है ये बताओ। तो जो ढोला मारू पेंटिंग है वो राजस्थान में ढोला और मारू की रोमियो जूलियट गाथा की तरह एक रोमांटिक कहानी है। ये जो है एक राजा था ढोला, ठीक है, ये जो राजा था ये नरवर राजकुमार था, और एक रानी थी यानी एक राजकुमारी थी मारू। तो ये जो है इन दोनों से रिलेटेड पेंटिंग है, ये दोनों की प्रेम कहानी को दिखाते हुए। यहाँ पर जो है ढोला ने जो है ऊंट के सामने अपने प्यार का इजहार मारू से किया था, तो वही उसी से रिलेटेड एक पेंटिंग बना दी गई थी, उसी को आप यहाँ पर पढ़ता हुआ देख सकते हैं। ये नरवर राजकुमार ढोला और पूगल राजकुमारी मारू की प्रेम कहानी है। तो वो जो राजकुमार था वो नरवर का था और राजकुमारी पूगल की थी, ठीक है। ये एक पुराने कागज पर हस्त निर्मित पेंटिंग है, यानी कि एक पुराना इन्होंने कागज लिया और उस पर ही हाथों से बनाई गई ये पेंटिंग है। और यहाँ पे क्या हुआ था, इस पेंटिंग पे ऊंट की सवारी को दर्शाया गया है, आप ऊंट भी देख सकते हैं इसमें। और यहाँ पे ढोला ने क्या किया था, मारू से अपने प्यार का इजहार किया था। तो वही चीज मैंने आपको बताई, और सेम चीज आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगी कि ये जो है एक रोमांटिक टेल है ढोला और मारू की, और ये राजस्थान में बनाई गई एक पेंटिंग है रोमियो जूलियट सागा, वहां पर बहुत ही ज्यादा फेमस है ढोला और मारू की कथा। दिस इज अ लव स्टोरी ऑफ नरवर प्रिंस ढोला एंड पूगल प्रिंसेस मारू। इट इज अ हैंडमेड पेंटिंग ऑन एन ओल्ड पेपर, आप ये लिखेंगे। और ये क्या दिखाती है, कैमल राइड दिखाती है, जहां पर ढोला एक्सप्रेस करता है अपना लव टू मारू, ठीक है। उसके बाद है जीव्या सोमा मासे की कला। ये आपका आ जाता है कई बार कि जीव्या सोमा मासे की कला क्या है। आदिवासी जीवन और वाली किंवदंतियों से आवर्ती विषय भी जीवन और आंदोलन का जश्न मनाने का बहाना है। ये आपको बताते हैं कि जीव्या सोमा मासे क्या कहते थे, कि सब कुछ जो भी मनुष्य पक्षी जानवर कीड़े सब कुछ है, वो सब कुछ चलते हैं, दिन रात जीवन गति है, लाइफ इज अ मूवमेंट,
तो ये आपको बताते थे, ये जो है ये है आपके जीवा सोमा मास से, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है और ये इसकी कला है, तो आप देख सकते हैं इसको, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद है राम किंकर ने अपने काम में आधुनिक मूर्ति कला को कैसे पेश किया, इस बारे में भी कई बार आ जाता है। तो राम किंकर ने क्या किया, आंकड़ों को मॉडल करने के लिए उन्होंने सीमेंट और लेटराइट मोर्टार का प्रयोग किया। पहले तो सीमेंट वगैरह नहीं होता था, लेकिन उन्होंने उसका प्रयोग किया ताकि उसकी जो मूर्ति है वो आधुनिक लगे, मॉडर्न लगे, ठीक है, मॉडर्न स्कल्पचर लगे उनके उस टाइम पे भी। तो और एक व्यक्तिगत शैली का उपयोग उन्होंने जिसमें आधुनिक पश्चिमी और भारतीय पूर्व शास्त्रीय एक तरह से मूर्तिकला मूल्यों के साथ लाया गया था, समान रूप से कट्टरपंथी था। इस मौलिक कार्य के साथ राम किंकर ने खुद को निस्संदेह आधुनिक भारतीय मूर्तिकार के रूप में स्थापित किया था। अब इंग्लिश में हाउ डिड राम किंकर इंट्रोड्यूस मॉडर्न स्कल्पचर इन हिज वर्क, कैसे उन्होंने किया, द यूज ऑफ सीमेंट, सीमेंट का यूज करके और लेटराइट मोर्टार जो था उसका यूज करके उन्होंने अपनी जो फिगर्स है मॉडल जो है वो बनाई और मॉडर्न वेस्टर्न जो है इंडियन प्री क्लासिकल स्कल्पचर वैल्यूज को उन्होंने दिखाया, ठीक है। अब अगला है आपका मधुबनी चित्रकला, इससे रिलेटेड ये आपका लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये आपका आ जाता है कई बार चार नंबर में। तो ये आपसे क्या पूछता है इस क्वेश्चन में कि मधुबनी चित्रकला का वर्णन करिए या फिर मधुबनी चित्रकला के बारे में बताइए या फिर आपका कई बार आ जाता है मधुबनी चित्रकला पर एक निबंध लिखिए। निबंध आपको ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, चार मार्क्स में है तो 50 से 60 नंबर 60 वर्ड्स में आप लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये जो है बिहार के दरभंगा पूर्णिया सहरसा मुजफ्फरपुर मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। ये चित्रकला की एक कह सकते हैं टाइप है, एक कुछ एरियाज में ये बहुत पॉपुलर है, मेन पेंटिंग्स है बिहार की। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों दीवारों कागज पर उतर आई। उसके बाद ये जो है मिथिला की औरतें जो हैं इसको बहुत ही ज्यादा, मधुबनी आपने सुना हो मधुबनी साड़ीज मधुबनी सूट पर भी होती है ये पेंटिंग्स, ये जो है मिथिला की औरतों ने फिर शुरू कर दी। इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी फिर अपना लिया, ये जो थी पहले एक सिर्फ घर में रहने वाली औरतें करती थी इस चित्रकला को मिथिला में, लेकिन फिर उसके बाद पुरुषों ने भी इसको धीरे धीरे अपना लिया। तो यहाँ पर आपका फिर नीचे आ जाता है इंग्लिश में इसी से रिलेटेड, मधुबनी से पेंटिंग से रिलेटेड ऐसे। तो ये जो है आप इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो है दरभंगा पूर्णिया सहरसा मुजफ्फरपुर मधुबनी इन सब एरियाज में या फिर नेपाल, ये जब जो एरिया थे मेन पेंटिंग्स थी ये बिहार के, आफ्टर इनिशियली लिविंग इन द फॉर्म ऑफ रंगोली, कुछ समय तक तो ये रंगोली के रूप में यूज करी जाती थी। ये आर्ट फिर धीरे धीरे मॉडर्न फॉर्म बन गई, क्लोथ्स पे वॉलपेपर्स पे और पेपर्स पे इन सब पे मेंस ने भी इनको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया एज अ डोमेस्टिक पेंटिंग। फिर उसके बाद कुछ महिलाओं ने भी जो है मिथिला की कुछ महिलाएं थी जिन्होंने इसको बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे आपका पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो कंप्लीट हो जाती है, आई होप आपको समझ आ गया हो, आपको बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर कंप्लीटली समझा दिया है, ठीक है। तो इसी ऐसे से रिलेटेड ऐसी कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड, और इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो अपनी बुक को बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास समय है अभी थोड़ा सा तो आप उसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से आप पढ़ते हैं इस वीडियो से तो आपको पासिंग मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ ताकि सबकी मदद हो जाए। इसके अलावा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।